का परेड देखना है। परेड देखने का तो मौका नहीं मिलेगा बिकॉज परेड के टाइम। सो गाइस अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 एंड अभी चलते हैं अरसलान नैन के स्कूल और जल्दी चलते हैं बिकॉज और लेट हो गया है और यहाँ की अच्छा नहीं अच्छा भी दिखाते हैं फ़ौरन निकलते हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। हेलो नमस्ते सलाम कैसे हो बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स। सो अब चलते हैं और अयान आ गया स्कूल जा रहे दोनों आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर फ़ौरन निकलते हैं बहुत लेट हो गया। अयान देखो इधर देखो इधर अरसलान देखो इधर। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all those. So guys, अभी अयान अरसलान के स्कूल आ चुके हैं एंड आप लोग किधर हैं? वही लड़के। So अभी हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं एंड टाइम मिला था 8:30 का फ्लैग होस्ट का एंड हेयर यहाँ झंडा तक नहीं है एंड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और 10:30 बजे छुट्टी होगी। क्या उसको लगा रहे हो आप? ये बहुत तेज बच्चा है अपना सारा वो दूसरे बजे देता है। कहाँ गया था? तो अभी वेट करते हैं एंड 10:30 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली यहीं रहेंगे या फिर पहले लेके दोनों को निकल जाएंगे बिकॉज कहीं और भी घूमना है एंड देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं। अभी गांधी मैदान भी जाना है इसको। चीख दिखाना अपना और आप दिखाना इधर चलो दोनों दिखाना एंड वन मोर थिंग नयाल भी आया हुआ था साथ में। नयाल तुम कुछ नहीं लिए फ्लैग व्लैग स्टिकर वगैरह नहीं लगा। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं गांधी मैदान की तरफ और फ्लैग यहाँ पे 10:00 को होस्ट होगा तो हम लोगों ने सोचा तो टाइम यूटिलाइज करते हैं और एक आध जगह घूम लेते हैं। परेड देखने का तो मौका नहीं मिलेगा बिकॉज परेड के टाइम तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो अभी चलते हैं यहाँ से देखते हैं। सो गाइस हम लोग गांधी मैदान आए हुए थे एंड गांधी मैदान में काफी ज्यादा रश है हम लोग बाहर से प्रोग्राम देख रहे हैं। I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बिकॉज चलते हैं स्कूल एंड 9:30 हो गया है तो इन लोग स्कूल में छोड़ेंगे थोड़ा देर स्कूल में भी रहेंगे। तो गाइस एक कंपनी है जिप सर्व करके जो कि सिवान गोपालगंज एंड छपरा में अपना सर्विस देती है उसमें मोस्टली ये लोग कंपनी वाले यही करते हैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें करते हैं एंड प्लम्बिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो करते हैं एंड आपके कुछ अप्लाइंसेस जो ख़राब होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस उसको भी ठीक करते हैं वॉशिंग मशीन फ्रिज हीटर गीज़र एक्सेट्रा ये सब सारी चीज़ें ठीक करते हैं एंड बहुत जल्दी इस कंपनी का एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है तो लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाओ लिंक पे चेकआउट करो एंड विजिट करो एंड गाइस अगर आप मेरे थ्रू जाते हो तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज़ करने से AAK10 यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस कोड स्क्रीन पे भी आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दिया है तो जाओ चेकआउट करो और फ़ायदा उठाओ। सो गाइस वंस अगेन हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं एंड अरसलान अयान दोबारा से एंट्री ले रहे हैं एंड लाइनअप भी हो चुका है स्कूल में। Yeah.
होस्ट होना था हो चुका है एंड मैं भी एक दो स्पीचेस होंगी उसके बाद सलाने हमको लेके निकलेंगे तो चलते हैं अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे। फिलहाल स्कूल से निकल रहे हैं अभी स्कूल से हम लोग निकल रहे हैं एंड बाइक थोड़ी सी स्टक थी तो थोड़ा सा स्पेस बनाया हम लोगों ने देखते निकलती है कि नहीं निकलती है एंड अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस अभी श्री साई स्वीट्स आए हुए थे एंड अहान अरसलान को देख लो और इसका शर्ट भी देख लो कलरफुल कर लिया नया यूनिफॉर्म को फर्स्ट डे ही एकदम मस्त ब्लैक कलर में कलर कर लिया। अरसलान तो बच गया तो अभी देखते हैं यहाँ कुछ लेते हैं मिठाई उठाई या फिर जो भी समोसा वोसा लेना होगा। तो गाइस घर आ गए एंड अहान अरसलान अहान का हालत देख ली अहान काफ़ी खौफ में अंदर जाए या नहीं जाए एंड हम लोग समोसा पार्सल लेके आए तो घर बैठ के खाएंगे पियेंगे एंड अभी चलते हैं अंदर। फिलहाल ऑलरेडी 12 बज चुके हैं मतलब 15 मिनट कम है तो 12 बज चुके हैं। सो गाइस नया लाया हुआ था एंड हम लोग अभी फिर जा रहे हैं घूमने थोड़ा सा कुछ प्लान है ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं है क्या नेहाल ज़्यादा बस थोड़ा सा घूमते हैं फिर कुछ खाए पियेंगे फिर घर चले आएंगे एंड मौसम एक नंबर हुआ है एंड टाइम ऑलमोस्ट हो रहे हैं 1:05 तो और बादल देख लो मौसम को क्या ही कहना है एक नंबर मौसम हो रखा है तो चलते हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस ब्रिज पे पहुंच चुके हैं एंड नज़ारा बहुत ही प्यारा हो रहा है चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है एंड अपनी स्कूटी ये रही और निहाल उधर ट्राई कर रहा है फोटो वीटो लेने का। इस वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक कम है बिकॉज दोपहर का टाइम है दोपहर में कौन ही आता है। तो मिलते हैं सो गाइज अभी हम लोगों ने फोटो खिंचा लिया एंड फोटो देखना तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं एंड निकल के देखते हैं आगे कुछ खाएंगे पियेंगे फिर उसके बाद घर निकलेंगे तो अभी चलते हैं यहाँ से। फिलहाल तो गाइज आए थे हम लोग बाहर कुछ खाने पीने खा लिया है एंड निहाल ने पैक भी करा लिया है तो चलते हैं आप घर एंड वहाँ करेंगे ब्लॉगिंग घर जाके फिर निहाल को घर छोड़ेंगे फिर घर जाएंगे फिर ब्लॉगिंग कर देंगे। तो गाइज अभी घर आ गए चलते हैं अंदर। हाय गाइस और अरसलान झाड़ू मैन बना हुआ है लो गाइस मैं भी थोड़ा उसकी कुछ काम है और अभी तक नहीं उतारा स्टिकर तुमने नो ओके अयान तुमने भी इसने भी नहीं उतारा और अयान को बहुत सारा मार पड़ा आज तो व्लॉग को करेंगे लाइट है नहीं अंधेरा भी है तो बाद में करते हैं। सो गाइस वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक के बिना बिल्कुल भी नहीं जाना एक बढ़िया सा कमेंट कर देना एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो। और गाइस वीडियो एक और है वीडियो जो कि पेंडिंग पड़ी हुई है इसके पहले शूट किया था करा था मैंने लाइक मतलब मुहर्रम के टाइम पर शूट किया था एंड सचिन भैया से भी मिला था उसमें एंड तो वो वीडियो अभी तक एडिट नहीं हुई बिकॉज मैं जिस दिन एडिट करना उसको बैठा इसके इस वीडियो को शूटिंग से दो एक दिन पहले एडिट करने बैठा यहाँ लाइट चली गई एंड लाइट ऑलमोस्ट 18 मतलब 21 घंटे तक लाइट आई ही नहीं बिकॉज यहाँ का ट्रांसफार्मर में कुछ इशू आ गया था दैट्स व्हाई ये वीडियो शूट नहीं हो पाई मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई उसको मैंने एंड नहीं करा अभी तक एंड उसको मैं भी एंड करके कल परसों में एंड करके उसको भी पब्लिश कर दूंगा बट सोच रहा हूँ मैं पहले इसको पब्लिश करूँ एंड उसके बाद उसको करूँगा। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन बाय हैव अ गुड डे थैंक्स अल्लाह हाफिज़।